महकमे एंटी करप्शन की तहसील कोर्ट छुट्टा में कार्रवाई, नाजायज काबजीन से 1789 किनार सरकारी रकबा बागुजार करवा दिया। पीएचए मुल्तान सफेद हाथी बन गया, पब्लिसिटी की मद में रिकवरी 10 गुना कम, 30 करोड़ की पब्लिसिटी की सिर्फ 3.5 करोड़ रुपए की रिकवरी हो सकी। रिकवरी में करप्शन के इल्जाम पर डीडी नौकरी से बर्खास्त, रेफरल स्टैप को भेजने का हुक्म। मुजफ्फराबाद गर्ल्स कॉलेज मुल्तान की तालिबात की सुनी गई, कॉलेज के रास्ते को पुख्ता करने के लिए तखमीना लागत तैयार, 12 लाख के फंड की मंजूरी जिलाई काउंसिल देगी, जिला काउंसिल का इजलास 1 मार्च को तलब कर लिया गया। पाक भारत कशीदगी डीसी मुल्तान की जरिए सदारत अहम इजलास, हसास तंजीबात और इदारों की सिक्योरिटी रेड अलर्ट, शहरी इलाकों में खंदकें खोदने का काम शुरू, तालीमी इदारों और बड़े प्लाजों में बंकर्स बनाए जाएंगे, मेट्रो बस के 2 जेर जमीन स्टेशन को भी बतौर महफूज पनाहगाह इस्तेमाल करने का फैसला। पाक भारत कशीदगी और मौजूदा हालात के पेश नजर डीजी खान इंतजामिया अलर्ट, डीसी ऑफिस में कायम कंट्रोल रूम 24 घंटे फंक्शनल रखने की हिदायत। इकबाल मजर महार ने तमाम अस्पतालों के अमले की छुट्टियां मनसूख कर दी, वो कहते हैं शहरी किसी किस्म की अफवाह पर कान ना धरे। पाकिस्तान भारत कशीदगी, महकमा सेहत मुल्तान ने इंतजाम मुकम्मल कर लिए, स्टाफ की छुट्टियां मनसूख, शहबाज शरीफ अस्पताल में 20, निश्चर अस्पताल में इजाफी बेड्स लगा दिए गए, निजी अस्पतालों से भी इजाफी बेड्स की तफसीलात तलब। और साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रजा गेलानी की कारी अहमद मियां की वफात पर मुल्तान आमद, तासीयत के लिए मदरसा जामिया इस्लामिया कैरल बयात गए, वो कहते हैं भारतीय वज़ीर आज़म अवामी मसाइल का जवाब देने से बचने के लिए जंगी माहौल पैदा कर रहा है, आलमी ताकतों को भारत के इकदाम का नोटिस लेना चाहिए।